नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है और सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे लाइव टू लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि नया जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल में कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपके मोबाइल में यहाँ पे देख सकती हो एक गूगल करके ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, आपके मोबाइल में भी शो हो जाएगा। ये गूगल अकाउंट सबके मोबाइल में होता है, तो गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो ध्यान से देखना है, और आने के बाद इसी तरह इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, देख सकती हो। तो यहाँ पे आपको ऊपर में देख सकती हो एक लोगो मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है देख सकती हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन मिल जाएगा एड अनदर अकाउंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मोबाइल में भी शो होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे एड अनदर अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दो दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपके भी यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल नाम यहाँ पे शो के आ जाएगा, और ऊपर में गूगल करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुकना है, और रुकने के बाद आपका जो पासवर्ड है या फिंगर है दोस्तों यहाँ पे दे देना है। तो मैंने दे दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक लाइक को आपको जरूर कर देना है, और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है देख सकते हो क्रिएट अकाउंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मोबाइल में भी शो होकर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर माय पर्सनल यूज और फॉर माय बिजनेस, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर माय पर्सनल यूज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह के इंटरव्यू स्कूल के आके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, आपका जो नाम है दोस्तों यहाँ पे दे देना है, तो मेरा नाम यहाँ पे दे देता हूँ, देख सकती हूँ रोहित, यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेरा नाम दे दिया, और देने के बाद दोस्तों आपका नाम यहाँ पे दे देना है, और देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके जो ऑप्शन आ रहा है देख सकते हो, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा टाइम रुकना है, और रुकने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है डे, तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 28 देख सकते हो मंथ, यहाँ पे दे देता हूँ अगस्त, और यहाँ पे 2001 देख सकती हो। तो आपकी आपको भी दोस्तों यहाँ पे दे देना है। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जेंडर सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा जेंडर है, आप फीमेल हो या मेल हो दोस्तों यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे अभी मेल हूँ, तो मैं दे देता हूँ। अगर आप फीमेल है तो दोस्तों फीमेल सिलेक्ट करना है, और करने के बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करके ऑप्शन आप मिलकर आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, देख सकती हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ईमेल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है, तो मैं सबसे ऊपर में ही इसको सिलेक्ट करता हूँ, और करने के बाद नेक्स्ट करके जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग सा जो आपको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड में दे देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, और देने के बाद नेक्स्ट करके जो ऑप्शन आ रहा है देख सकते हो नेक्स्ट पे आपको फिर से क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकती हो आपको ऐड है, यहाँ पे क्या रहा है ऐड फोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यस आई एम इन यहाँ पे रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करके फिर के ऑप्शन मिलकर आ जाएगा, देख सकते हो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसी तरह का इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा प्राइवेसी एंड टर्म्स करके, देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आई एग्री जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुकना है, और रुकने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। ठीक है, इंटरव्यू स्कूल के आ जाएगा, यहाँ पे गूगल सर्विस करके लिखा आएगा, आपके मोबाइल में भी लिखा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको रुकने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, बस आपका जो अकाउंट है गूगल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होकर जो क्रिएट हो गया है दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब में जाकर, यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मेरा गूगल अकाउंट है मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आ गया है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो ईमेल है दोस्तों यहाँ पे आया नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो रोहित राव मैंने खोल लिया, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ईमेल जो है दोस्तों यहाँ पे सेट होके यहाँ पे सेट हो गया है दोस्तों। ये जो प्रोसेस दिखा है, इसी प्रोसेस से ही दोस्तों आप नया ईमेल आप क्रिएट करना चाहते हो तो इसी प्रोसेस से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ये साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।